हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, परंतु ये तब होगा जब उसमें बिजली कौंधे, बिजली चमके, बिजली की उपस्थिति, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसे ही गुरु की उपस्थिति होगी तो काम बनेगा। ध्यान लगेगा, शांति, आत्म शांति की अनुभूति होगी। विदेश में एक विज्ञानी हुआ जिसका नाम जीन पियागेट, उसने कई वर्षों तक अध्ययन किया मां और बच्चे पर। उस विज्ञानी ने अध्ययन करके ये कहा कि मां की उपस्थिति का बच्चे के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार उस विज्ञानी ने एक नवजात शिशु को उसकी माँ से अलग किया, समय से दूध और जो बच्चे की आवश्यकता होती है वो सब पूरी की, परंतु बच्चे का विकास रुक गया। वो बच्चा कमजोर होता गया, बीमार रहने लगा, दुखी रहने लगा। फिर उस बच्चे को मां के पास कर दिया तो बच्चे का विकास शुरू हो गया। वो विज्ञानी बोला, मां भले अंदर बैठी हो, बच्चा बाहर खेल रहा हो, पर मां की उपस्थिति वो बच्चे का विकास करती है, केवल उपस्थिति। अब एक मां की उपस्थिति बच्चे के विकास में सहायक है, तो सद्गुरु की उपस्थिति कितनी सहायक हो सकती है, सोचो। बिजली कुछ करती नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनता है बिजली के चमकने से, बिजली कौंधने से। बिजली कृत्य में प्रवेश नहीं करती, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ो तो बिजली दिखेगी नहीं। बिजली कृत्य में प्रवेश नहीं करती है, बिजली कर्ता नहीं बनती है, पर फिर भी उसके बिना काम होता नहीं है। ऐसे ही सद्गुरु के बिना काम होता नहीं है। ये परम पिता ने पुत्र को देखा, गुरुदेव कि केवल दृष्टि हम लोगों पर पड़े, हम कुछ न करें और गुरुदेव कुछ न बोले, बैठे हों शांत अपने आसन पर, तो भी बहुत कुछ घटने लगेगा हमारे भीतर। उनकी दृष्टि मात्र से बहुत कुछ होता है, और अकेले में कहीं घर पर ध्यान में बैठे हों और ऐसे गुरुवर के स्वरूप को मन में लाते हुए साधक ध्यान में बहुत गहरा उतर सकता है। हाथ में हीरे पकड़ने हो तो कंकड़ और पत्थर छोड़ने पड़ते हैं। तो थोड़ा अंदर भी शांत बैठे, बार बार चिंता की पोटली सिर पे लेकर खड़े ना हो जाएं कि मेरे ऊपर इतना भार है। पहाड़ पर चढ़ना हो ना तो पर्वतारोही को निर्भर होना पड़ता है,
तभी ऊंचा चढ़ पाएगा, नहीं तो थक जाएगा बीच में ही, अरे मैं तो थक गया, मेरे से अब ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। यहां से 50 किलो की बोरी लेके ऊपर चढ़ो तो पता चले। तो पर्वतारोही को निर्भर होना पड़ता है। उसी प्रकार हम साधकों को भी व्यर्थ चिंता और व्यर्थ के शब्दों के भार से मुक्त होना चाहिए। मतलब जब भी बैठें तो शांत बैठें, मौन, जैसा गुरुदेव ने आज दोपहर को बताया संध्या के कार्यक्रम में शांति की साधना बताई, वैसी की जाए। बेकार के शब्दों से मुक्त चेतना वो सत्य की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम हो जाती है। तीर हो तीर और धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ें तो तीर दूर जाएगा, परंतु तीर पे रस्सी से एक पत्थर लटका दे तो कहां जाएगा, कहीं अपने पैर पे ही गिरेगा। ऐसे ही बेकार की चिंता, इन्होंने चिंता थोड़ी की 16 साल हो गए क्या हो। ऐसे पानीपत में भी एक महिला को शादी के 17 साल हुए, वो अकेली दीक्षा ली हुई थी, पति ने सास ससुर ने नहीं ली थी। उसके सास ससुर धमकी देते थे, हम बेटे की दूसरी शादी करेंगे, तू रोती रहना। उसने कहा नहीं, मुझे मेरे बापू पर पूरा भरोसा है, वो मेरी झोली भरेंगे। बोले 17 साल तो हो गए। बोले कोई बात नहीं, एक साल और बीता और उस महिला ने बालक को, लड़के को जन्म दिया। फिर वो सब भी मन ही मन बापूजी से माफी मांगने लगे कि हमने शंका की, हमको माफ करना। पर सच्चा निशिष्य जो होता है ना, निष्काम, उसकी श्रद्धा की नींव ऐसी गहरी होती है कि कोई कितनी भी हिलाना चाहे पर हिलती नहीं है। उसकी श्रद्धा पगड़ी की तरह नहीं होती या टोपी की तरह नहीं होती, पगड़ी जब चाह सिर पे रखी, जब चाह उतार दी। उसकी श्रद्धा चमड़ी की तरह होती है, कभी उखड़ती नहीं है। तो ये शरीर भगवान ने सबको दिया है कि इस शरीर के द्वारा, ऋग्वेद में शरीर को नाव कहा है, वेद की बात है। नाव है तो नाव में बैठकर नदी पार की जाती है कि नाव को सिर पे रख के घुमा जाता है? नाव से नदी पार न करे पर सिर पे लेके घूमे तो उसको लोग पागल ही तो कहेंगे। ऐसे ही शरीर है तो पार होने के लिए है, ऐसा नहीं कि इसको लेकर ही घूमते रहे, मैं फलाना, मैं ये। आपने रस्तों पर शहर में कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे पागल होते हैं ना, कोई कोई एकल दुक्कल, वो एक बोरी उठा लेते हैं, उस पर गंदगी भरते रहते हैं, कचरा, फिर कुछ सिर पे बांध लेंगे, कुछ गले में लटका देंगे। तो अपन बोलते हैं ना, अरे ये पागल है। ऐसे ही वो व्यक्ति भी पागल है जो केवल दुनिया की चीज़ें ही, बातें ही भरता रहता है, गुरु के वचनों को नहीं भरता, वो उस पर पागल ही है। और साधक, बस सुनो, ताली बजाने की जरूरत नहीं। एक महात्मा थे, जंगल में रहते थे, झोपड़ी में, एक दिन कुछ सैनिक वहां से निकल रहे थे, प्यास लगी उनको, छोटी सी झोपड़ी थी बाबा की। बोले बाबा तुमची झोपड़ी मध्य पानी आहे? बोले हाँ आहे। तो फिर क्या बोलेंगे, हमको पीना है पानी, माला पानी पियाए छे। महात्मा ने कहा झोपड़ी मध्य खाली बसा बाबू। तो उन्होंने देखा बाबा अंदर तो जगह है नहीं, छोटी सी तो झोपड़ी है, तो बोले बाहर ही बैठो। ठीक है, पानी पिया। फिर उन सैनिकों ने कहा बाबा आप तो साधु हो, यहां रहते हो, तो झोपड़ी में भगवान की मूर्ति नहीं रखी, आप भगवान की पूजा नहीं करते, मूर्ति तो है नहीं, तो फिर आप साधु बने?
बाबा ने कहा झोपड़ी इतनी छोटी है ना, अंदर दो का समावेश नहीं हो सकता है। तो कैसे वो रहे कि मैं रहूं, या मैं रहूं कि वो रहे, दो में से एक रह सकते हैं। उस सैनिकों ने समझा कि बाबा पागल है। बाबा समझ रहे थे कि ये पागल है। लोग भी कहो कुछ और कई ऐसे होते समझ लेते हैं। कुछ एक आदमी सिगरेट बहुत पीता था, तो उसको डॉक्टर ने कहा कि तुमको कितनी बीमारी हो गई है, आंतों में निकोटिन फैल गया है, फेफड़ों में, आंतों में, आप मर जाओगे जल्दी, सिगरेट पीना छोड़ दो। बोले एकदम तो नहीं छोड़ सकता। बोले कम करो, रोटी खाने के बाद पीना एक, बस। समझ गए? बोले हाँ समझ गया। महीने के बाद वो आदमी आया, मोटा हो गया था। डॉक्टर घबराया कि मेरी सलाह से कहीं इसको बीमारी बढ़ तो नहीं गई, इतना मोटा हो गया। भाई आप इतने मोटे कैसे हो गए? बोले आपने कहा था ना रोटी खाने के बाद सिगरेट पीना, मैं दिन में 10 बार खाता हूं। हे हरी हे हरी हे हरी हे हरी, 10 बार खाता है। सैनिक गए, अगले दिन वो बाबा की झोपड़ी में एक भगवान की छोटी मूर्ति लेकर आए और कहा बाबा ये मूर्ति आपकी झोपड़ी में रखो। तो बाबा ने कहा कि देखो मेरे को मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों नहीं है? आप साधु होकर भगवान की पूजा नहीं करोगे? बोले देखो बहुत दिन हुए, जब से मेरे गुरुदेव की कृपा बरसी है ना, तब से यहां भगवान ही है, मैं नहीं हूं। बहुत ऊंची बात महात्मा ने कही, जब से मेरे गुरुदेव की कृपा बरसी तब से मैं नहीं हूं, यहां भगवान ही है बस। मुझे वो दिखते हैं, मेरे को उनका अनुभव होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं भगवान केवल मंदिर में है, पर साधक जो होते हैं ना, वो दीक्षा लेकर मानो अपने जीवन में भगवान की प्रतिष्ठा कर देते हैं, अपनी सांसों में। तो सांसों में, जीवन में प्रतिष्ठा हो जाती है साधकों के, और उसी का प्रताप है कि घंटों भर शांति से बैठते हैं। और कितना मैं मानता हूँ, कई लोग बहुत पैदल भी चलकर आए होंगे, रोड से कोई गाड़ी मिली न मिली, जहाँ तक बस आई, बस से आए, फिर पैदल भी आए होंगे कई। तो ये क्या है? ये प्रेम की पिपासा है। एक होती है जिज्ञासा, एक होती है मुमुक्षा, एक होती है पिपासा। जिज्ञासा, जन्म किसका होता है, मौत किसकी होती है, सुख किसको होता है, दुख किसको होता है, मान अपमान की असर किसको होती है, ये जिज्ञासा। दूसरी होती है मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा कि मेरे को मुक्ति मिल जाए इसी जन्म में। और तीसरी होती है पिपासा, प्रेम की पिपासा, मैं गुरु चरणों में पहुंचूं, मेरे को गुरु जी का दर्शन हो जाए, मेरे पर बापू जी की नज़र पड़ जाए, मैं उनके दर्शन करूं, मैं उनके निकट बैठूं। जिज्ञासा से मुमुक्षा अच्छी है और मुमुक्षा से प्रेम की पिपासा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और वो जिनके जीवन में है वो सभी साधक धन्य हैं। ऐसे साधक मानो जैसे पूनम की रात हो, पर दिया जला के रखा हो तो चंद्रमा की चांदनी का आनंद नहीं ले सकते, है ना? दिए को बुझाओ तो चांदनी का आनंद ले सकेंगे। तो सच्चे साधक गुरु भक्त जो होते हैं ना, वो देह अध्यास रूपी टिमटिमाता दिया बुझा देते हैं, वो गुरु के कृपा के प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। शांत बैठ के श्वासों श्वास गिनने का, देखने का प्रयोग इसीलिए, किसी को लगे कि अब ये क्या, ये तो हम जानते हैं, हम तो जानते हैं, हमने सुना है कि श्वास अंदर जाए बाहर आए उसको गिनो, तो फिर गिने भी ना।
श्रवण में अनुराग, गुरु में अनुराग। मैं का दिया जब तक जलता रहता है, मैं का, ईगो का, तब तक प्रभु का प्रकाश, गुरु का प्रकाश प्रतीक्षा करता है। कि इसके अंदर मैं जाऊं। हम जिनकी शरण में आए हैं ना, सच कहता हूं, उनके दर्शन में इतनी शक्ति है कि दृश्यों की तल्लीनता में जो दृष्टा खो गया है ना, दृश्य जो दिखते हैं, बाजार, ये इस पूरा संसार, तो इन दृश्यों की तल्लीनता में दृष्टा खो गया, पर गुरु के दर्शन में इतनी शक्ति है कि दृष्टा अपनी भूल से बाहर हो जाए। दृश्यों की तल्लीनता में नहीं, गुरु के दर्शन में दृष्टा जाग जाए, उसकी चेतना लौट आए। ऐसी पूज्य बापूजी के दर्शन में शक्ति है। मैंने दो तीन कार्यक्रम पहले कहीं एक प्रसंग सुनाया था कि एक लड़का, बड़े आदमी का बेटा, किसी गुरु के पास गया और कहा कि मेरे को आत्मज्ञान चाहिए। गुरु ने कहा मेरे पास रहना पड़ेगा। बोले रहूंगा। भागना नहीं, छोड़कर नहीं भागूंगा। गुरु ने कहा पहला पाठ 3 महीने तक चलेगा, तू जब सेवा कर रहा होगा मैं डंडा लेकर पीछे से मारूंगा जोर से, बचने की ताकत हो तो बच जाना। कई बार उसको डंडे पड़ जाते, कई बार बच भी जाता कि आए 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 आए, बच जाता। 3 महीने पूरे हुए, गुरु ने कहा शाबाश, तू भागा नहीं, हाँ पक्का मराठी बंधुआ है, श्रद्धा में पक्का है। महाराष्ट्र के बहुत अनुभव की चिट्ठियां मेरे पास आती है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के भक्तों की चिट्ठियां आती है। उनको कैसे कैसे अनुभव होते हैं, गहरी श्रद्धा होती है तो परिणाम पीछे पीछे आता है, देर नहीं लगती। गुरु ने कहा दूसरा पाठ 3 महीने का, अब तू रात को नींद में होगा ना तब डंडा मारूंगा मैं तुझे। उसने कहा नींद में तो कैसे बचूंगा। बोले बच सकता है। तो उसको अचेतन मन में हो गया कि गुरु जी अब आए, अब आए, अब आए, ऐसा होने लगा। जैसे अभी हम लोग यहां बैठे थे, वो गाड़ी तो दूसरे आई, पर हमको हुआ कि बापू की गाड़ी आई। मेरे को भी हुआ, मैं भी उधर देखने लगा। ये शक्ति है गुरु के दर्शन में कि उनके दर्शन की तल्लीनता में दृश्यों की तल्लीनता बिखर जाती है। बहुत ऊंची साधना है, कोई साधारण साधना नहीं है। तो उसके गहरे मन में हो गया कि गुरु अब आए, अब आए। 2-4 बार नींद में पड़ा, गुरु भी फिर आता तो हाथ उठता तो जोर से, पर उस तक आते आते धीरे हो जाता था। जब भी गुरु आते तो जाग जाता। 1-2 बार पढ़ा बस, गुरु ने कहा पास हो गया, अब तीसरा पाठ 3 महीने का है। बोले कांपने लगा, अब न जाने कौन सा आएगा, पर भागने की बात नहीं सोची। गुरु ने कहा डंडे से नहीं, अब तलवार से वार करूंगा। जागृत में भी, सोते में भी, कभी भी बच सके तो बचना। अब आप सोचो क्या कोई गुरु तलवार से मारेंगे शिष्य को, पर मानो गुरु उसकी जो दृश्यों में तल्लीनता थी उस तल्लीनता को तोड़ रहे थे, और वो तैयारी दिखा रहा था गुरु के
पास समर्पण पूरा था। तीन महीने और बीत गए, उसके अचेतन मन में बस गुरु 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 ही रह गए और कुछ रहा ही नहीं। दृश्यों की तल्लीनता जो थी पहले वो बिखर गई, गुरु के दर्शन में ही तल्लीन हो गया, उसका काम बन गया, उसको साक्षात्कार हो गया। फिर उसमें निष्ठा तो जमानी पड़ती है ना, पर गुरु ने कहा अब एकांत में जाओ, अब तुम्हारी स्थिति हो गई एकांत में रहने की। पर जाते जाते उसके मन में हुआ कि मैं भी एक बार गुरु की परीक्षा करूं। गुरु सामने ही बैठे थे, गुरु ने कहा खबरदार जो ऐसी बात दोबारा मन में सोची तो जो तू सोच रहा है सोचना नहीं। तब उसने माफी मांगी कि गुरु तो गुरु ही होते हैं, उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। समुद्र है, समुद्र सागर, समुद्र में समुद्र के किनारे मिट्टी का एक घड़ा ले जाओ, मटका, मटके में पानी भर लो, तो उतना पानी समुद्र से अलग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। पहले पानी सागर से एक था, पर हमने मिट्टी का घड़ा डुबा कर वो अलग कर लिया। ऐसे ही ये शरीर रूपी घड़े में ऐसे उलझ गए कि जीवात्मा जो उस सागर का अंश है, ईश्वर का उनका अंश है, वो उनसे अलग हो गया और इसमें आ गया और मानता है कि मैं ये हूँ। बाकी है तो पानी मटके में सागर का ही, सागर का पानी और मटके का पानी एक है, पर वो मटके में आ गया, एक दायरे में आ गया। ऐसे ही इस मटके में आ गया मैं ये। तो गुरुदेव जो साधना बताते हैं बहुत हमको ऊंची दिव्य साधना बताते हैं, पर जो करें उनकी बलिहारी है, जो न कर पाए वो बिचारे। आज नहीं तो कल करेंगे। समुद्र पार करके हनुमान जी पहले पहुंचे थे, बाकी सब नहीं पहुंचे थे, पर बाद में सब पहुंच गए थे। हाँ, पूरी सेना पहुंची कि नहीं पहुंची? पहले खाली हनुमान जी गए, बाद में सब पहुंच गए। तो बापू जी भी सबको दीक्षा दे रहे हैं ना, मानो ये पूरी राम जी की सेना संसार सागर के पार पहुंच के ही रहेगी। एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि बेटे चुप, मौन रखना, बोलना नहीं, यात्रा में निकले। एक जगह दोपहर का समय था, खेत में पेड़ के नीचे आराम करने को लेट गए। किसान आया, ए बोले बाबा लोग कहां से आ गए यहां हमारे खेत में? पेड़ पर से फल चोरी हो जाते, लगता है आप लोग ही ले जाते होंगे। तो गुरु थे, कुछ बोले नहीं, पर चेला जरा राजसी था। वो बोला कि तुमने हम साधुओं को क्या समझ रखा है, हम साधु हैं, तुम हमारे साथ ऐसे बात करते हो, तुमको तमीज नहीं है बात करने की, ऐसा वैसा। वो भड़क गया जैसे एटम बम विस्फोट होता है ऐसे। किसान ने उठाया डंडा के बड़ा आया, एक तो खेत में आया, हमारे फल चोरी होते हैं हमको पता नहीं, और फिर वो हम भी दादागिरी करता है, एक दो लगा दिए उसने। फिर गुरु ने इशारा किया उसको, किसान फिर चला गया। बाद में गुरु ने कहा उसने पहले मुझसे पूछा था, मैं चाहता तो बोल सकता था, मैं नहीं बोला, तुझे भी कहा था मौन रखना, तू क्यों बोला? बोला इसलिए डंडे पड़े। मौन गुरु बताते हैं, मौन में बड़ी शक्ति है, इसलिए हम सभी को घर पे भी रहें तो मौन का सहारा जरूर लें। जरूर नहीं हम सारा दिन बोलें। एक आदमी ने मौन की महिमा सुनी तो बोला कि मैं रात को जब सोऊं तो मौन शुरू, सुबह जब तक उठूं नहीं तब तक मौन। नहीं, मिट्टी का दिया होता है ना, दिवाली के दिनों में लोग जलाते हैं,
मिट्टी के दिए में तेल भर के बाती रख कर हम जोत जलाते हैं, है ना, तो जोत दिखती है, मिट्टी का दिया भी दिखता है और जोत भी दिखती है, परंतु कैसी विडंबना है कि ये मिट्टी का दिया तो दिखता है पर इसके भीतर की जोत दिखती नहीं है। वो जोत तो दिखती है पर इसमें भी एक जोत है। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, उपनिषद में आता है, वो ज्योति स्वरूप है और उसका अनुभव नहीं होता है। उसका अनुभव वहां होगा जहां वो ज्योत प्रत्यक्ष दिख रही है। ऐसे गुरु के पास बैठने से हमारी भी वो ज्योत हमको दिखेगी, प्रगटेगी, जो कहो। हम अपने घेरे से बाहर निकलें, हम जैसा चाहें ऐसा ही हो, नहीं नहीं जैसा गुरुदेव चाहें ऐसा हो। दृढ़ श्रद्धा हो ना तो समझो किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है कि मैं बापूजी से बात हो जाए तो मैं पूछूं। पर दृढ़ श्रद्धा हो ना, मैं सच कहता हूँ, कईयों का अनुभव है, बापूजी बैठे और हम हाथ जोड़ के दर्शन कर रहे हैं ना श्रद्धा से, तो भी कई बार प्रेरणा मिल जाती है और काम हो जाता है। ऐसा कई साधकों को हुआ है, घर बैठे बैठे भी गुरुदेव के चित्र से प्रेरणा पा लेते हैं, बात करने की जरूरत ही नहीं रहती। पर उलझे हुए घेरे में नहीं ऐसा हो। एक राजा ने ब्राह्मणों को और साधु महात्माओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया, भंडारा रखा, आए सब ने खाया, फिर राजा ने कहा कि हमारी अमुक जगह जमीन है बहुत सारी। राजा तो मालिक ही है ना, वो तो बोल देगा, है कहा जमीन है बहुत सारी। साधुओं को जितनी जमीन चाहिए घेर लो और बाउंड्री बना दो, वो जमीन हम आपके नाम लिख देंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी। बोले ठीक है। वो तो भागे सब, तैयारी बैठे थे, अपना अपना चेले लेकर जमीन घेरने लगे, दीवार बनवाने लगे, कांटों की वाड़ कह दो, बाउंड्री बनाने लगे। पर एक साधु थे वहां रहते थे पहले से, उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने कुछ अपना घेरा बढ़ाया नहीं, पहले से जहां रहते थे ऐसे ही शांति से रहते थे। राजा देखने के लिए आए कि किसने कितनी जमीन रोकी है ताकि वो कामकाज करे, उतनी जमीन उनको दे दे। राजा ने कहा कि जो जितनी ज्यादा जमीन घेरेगा वो राजगुरु के पद पर सुशोभित होगा। सबको लगा कि अरे राजा के गुरु, बड़ा घेरा करो, बड़ा घेरा करो, ज्यादा जगह रोको। पर वो साधु ने सुना तो अपनी जो झोपड़ी थी वो भी जला दी। सबको हुआ कि ये पागल हो गया लगता है। राजा आए थोड़े दिनों के बाद, जांच की तो देखा सबने बड़े बड़े घेरे बनाए हैं, ज्यादा ज्यादा जमीन रोकी है। पर उस साधु का पता चला कि उसने अपनी झोपड़ी भी जला दी। बोले महाराज आपने झोपड़ी क्यों जलाई? बोले मैंने सुना कि जो बड़ा घेरा बनाए वही बड़ा, तो सबसे बड़ा घेरा तो मेरा है, क्योंकि मैंने मेरा छोटा घेरा तोड़ दिया, सारा विश्व मेरा ही घेरा है, मैं छोटे में क्यों फंसूं, सब कुछ मेरा ही है, ये मेरा, ये मेरा, इतना ही मेरा क्यों। वसुदेव कुटुंबकम। तो जो सीमा को तोड़ता है वो असीम को पाता है, दायरे को तोड़ता है वो दरिया को पा लेता है, और अपना दिल उनको दे, उनके चरणों में लगाएं हम, तो आपकी और मेरी, हम सब की साधना में खूब खूब गति आएगी। अब थोड़ा शांत बैठकर हम उनको ही प्रार्थना करें। उपाय भी वही, उपाय भी वही कि बस हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। सहज बैठो, जरूरी नहीं है कि कोई पद्मासन लगा के बैठना, जैसा
आपको सहज अनुकूल लगे आराम से।